हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपनी फाइल को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ज़्यादातर आप क्या यूज़ करते होंगे, एक मोबाइल से और एक मोबाइल में फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए आप जेंडर, शेयरिट, इस तरह का एपी के यूज़ करते होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा आप किस तरह से एमएक्स प्लेयर में वीडियो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सेंड कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, एमएक्स प्लेयर में आप वीडियो को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो आज का वीडियो एमएक्स प्लेयर रिलेटेड है। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो हमेशा आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एमएक्स प्लेयर ओपन करके दिखाता हूँ कैसे आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऐसे इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए एमएक्स प्लेयर को ओपन करते हैं। तो देखिए, मेरा जो एमएक्स प्लेयर है अब ओपन हो चुका है। तो एमएक्स प्लेयर में आपको काफ़ी सारा ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन इसमें से आपको सेव यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखिए राइट कॉर्नर में, यहाँ पे आप देखिए राइट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आपको फोर ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल एमएक्स प्लेयर अपडेटेड नहीं है तो आपके सामने तीन ऑप्शन दिखाई देगा। ये जो एरो चिन्ह है ये आपके सामने नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी एमएक्स प्लेयर को अपडेट करना होगा। अगर अभी तक अपने आपके मोबाइल में एमएक्स प्लेयर नहीं है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऐसे इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं एमएक्स प्लेयर में कैसे फाइल ट्रांसफ़र होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैं दोनों मोबाइल में, मेरा मोबाइल दोनों आसपास है तो मैं इसे सेंड करता हूँ। तो दोनों मोबाइल में मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए एक ही इंटरफेस आ गया है। तो इस मोबाइल को मैं सेंड करता हूँ और इस मोबाइल को मैं रिसीव कर लेता हूँ। तो रिसीव करने वाले मोबाइल को आपको ब्लूटूथ अलाउ करना है, फिर आपको इनेबल हॉटस्पॉट को भी अलाउ कर लेना है। तो देखिए अब हो गए, कनेक्टिंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए लुकिंग फॉर डिवाइस नियर बाय, आपकी जो नियर बाय डिवाइस हो ये सर्च कर रहे हैं अभी। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ फाइल्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा छोटा छोटा वीडियो है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि इस तरह से मैं दो वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, और पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे अलाउ करना है, फिर आपको इसको भी अलाउ करना है। फिर यहाँ पे भी सर्च होगा, देखिए तो यहाँ पे देखिए जो इमेज शेयर जो ऑप्शन है इस मोबाइल का, तो मेरा मोबाइल पर आ गया है। तो देखिए आप कनेक्टिंग हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर ले जाना है। तो देखिए अभी फाइल जो है मेरा सेंड हो रहा है अभी। तो देखिए जो फाइल है वो सेंड हो गया है, दोनों फाइल मेरा मोबाइल में एक दूसरे से सेंड हो गया है। तो देखिए जो राइट वाला मोबाइल है इसमें से मैं फाइल सेंड किया, और लेफ्ट वाले में अभी जो फाइल है वो चली गई है। तो मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये वीडियो है जो मैंने अभी सेंड किया। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई जेंडर, एक्सेंडर बोलो या फिर शेयरिट बोलो, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इमेज क्लियर होगा तो ही कम चल जाएगा। सो वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो हमेशा लेता रहता हूँ। और एक बार मैं कभी भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं जो भी आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। तो वीडियो को
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।